భక్షల్ కరుణామరణాలయ నీలలోని ఆశుతోషు భగవాన్ సదాశివ పరమాదరణీయ పరమ పూజ్య పాద ప్రాతానంద శ్రీ గురు సద్గురు భగవాన్ ప్రభు భక్తి స్వరూప చైనల్ మాధ్యమ శ్రవణ కర్తే హువే శమీ సభీ భక్త చరణ మే నమన కర్తే హువే సబ సబ జయ శ్రీ श्रुति जी महाराज स्वर्णकादेशी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं सोनो हे ऋषियों मैं आपको एक चांडालनी की कथा श्रवण करा रहा हूं। पूर्व जन्म में वह चांडालनी एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। विदा होकर ससुराल गई। भोग विलास में लगी रही। शुरू से ही उस कन्या का विषयों के प्रति अति आकर्षण वो दिन रात विवाह के पश्चात भोग विलास से कुछ दिन पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसके पति के मृत्यु हो गई, स्वच्छंद हो गई, उसके गलत प्रवृत्ति के कारण उसके अंतःकरण में कामाशक्ति अत्यधिक होने के कारण एक तो अपति नहीं है, स्वच्छंद है, कामाशक्ति अति प्रबल है, भोग विलास की अति प्रवृत्ति अधिक हो गई है। उसने वेश्यावृत्ति धारण कर ली। नित्य नए पुरुषों के साथ अपनी प्यास को बुझा दी। अब हो गए में रत
एक दिन उसके घर वाले उसे निकाला। जब घर से निकाल दिए तो जंगल में घूमती घूमती एक घर देखा। वो घर एक शूद्र का था। वो उस घर में पहुंच गया। शूद्र अकेला रहता था। उसने उस स्त्री को देख कर उस शूद्र के मन में उस स्त्री को पाने की लालसा जागा। ये अकेले स्वच्छंद कर ही रही है। उसके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत है। अब दोनों साथ साथ रहने लगे, भोग विलास करने लगे। अब भक्षा भक्ष का सेवन करने लगे। एक शूद्र घर से कहीं बाहर चला गया। अब इसको लगी भूख। अब जब इसको भूख लगी तो इसने बाहर निकली तो शूद्र के दरवाजे पे एक बछड़ा बंधा हुआ था। उस बछड़े को कुल्हाड़ी से काट करके और उसके मांस को ग्रहण करके खा गया। शूद्र आया उसने देखा पूछा कि बछड़ा कहाँ है। इसने कही बछड़े को तो मैं खा गई। इस पाप के फल स्वरूप कुछ दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे पकड़ करके ले गए और नरक में ले जाकर के उसे नाना प्रकार की यातना भोगनी पड़ी। पुनः उस चांडाल की योनि में चांडाल के घर में उसने जन्म लिया। एक रोज भूख प्यास से व्याकुल
वो भिक्षा मांगने के लिए गई तो उसको भिक्षा में बैल के गले में बंधने वाला जो घुंघरू होता है उसको दे दिया। उसने जब घुंघरू दे दी उस घुंघरू के प्रभाव से, क्योंकि उस घुंघरू को लेकर और उसने जो फेंका उस घुंघरू जाकर के शिव के लिंग के ऊपर गिर पड़ा। जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से और उसने शिव लोक को प्राप्त की। भगवान सूत कहते हैं हे सौनक, भगवान शिव की कृपा अगर जीव के ऊपर हो जाए उनका अनुग्रह अगर जीव की हो जाए तो अतिशय पापी भी भगवान शिव की कृपा से मुक्त हो जाता है। शिव लोगों को प्राप्त करता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जप मंगल दिशिलसु। किसी भी भाव से भगवत आश्रय ले लो तो जीव अतिशय पापी भी भगवत आश्रय प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। हे ऋषियों, मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति अश्विनी रोहिणी इत्यादि नामक
27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर कर लेकिन चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक छोटी पत्नी से चंद्रमा कहीं से भी आता जो छोटी पत्नी के कोई बात होता तो छोटी पत्नी की ये देख करके दक्ष की और जो पुत्री थी जो चंद्रमा की पत्नी थी 26 वो बड़ी दुखी हुई कि देखो हम सब इनके पत्नी हैं हम सब से इनका विवाह हुआ है लेकिन फिर भी ये भेदभाव कि हम लोग के तरफ देखते तक नहीं हमें बुलाते भी नहीं हमसे बात भी नहीं करते दक्ष के और पुत्रियों को बुरा लगा और जा करके दक्ष के कन्याओं ने दक्ष से इस बात को कही कि पिताजी आपके दामाद हम लोगों से भेदभाव करते हैं छोटी से अधिक प्रेम करती है और हम लोगों के तरफ देखते तक नहीं दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि दामाद जी आपकी 27 पत्नी आपका विवाह 27 के साथ हुआ और ये सब आपकी पत्नी फिर आप ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं अरे आपको तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए समान प्रेम करना चाहिए लेकिन आप भेदभाव करते ये ठीक नहीं आप सबसे प्रेम क्योंकि सब आपकी पत्नी कह करके दक्ष तो चले गए लेकिन चंद्रमा का व्यवहार नहीं अब जब चंद्रमा का व्यवहार नहीं बदला फिर वही पक्षपात दक्ष के समझाने के बाद भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं तब दक्ष को पुनः उनकी कन्याओं ने
अपने पति के लिए बताया। दक्ष को क्रोध आया कि देखो इतना मैंने समझाया इसे, लेकिन फिर भी इसकी समझ में बात नहीं आई। क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ क्षीण हो जाओ। अब देवता लोग घबरा गए, दक्ष ने श्राप दे दिया। अब दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षीण हो गया, अंधेरे ही अंधेरा। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह कोई उपाय कीजिए, दक्षिणी चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। और इस अवस्था में इसका क्या होगा और ये सृष्टि का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रमा से कि तुम प्रभास तीर्थ जाओ, और वहां पर जाकर के भगवान शिव का आराधना करो, वही सब कुछ कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्यवान वही है। चंद्रमा प्रभास तीर्थ है, और प्रभास तीर्थ जाकर के उसे भगवान शिव का आराधना से तपस्या कर, कठोर तप करुणा वरुणाले भक्त वत्सल आशुतोष महादेव प्रकट हो, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो। बरमंडोय वरदान महाराज, मेरे ससुर दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया कि तू क्षीण हो जाओ। कृपा करके आप इस श्राप से मुझे मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा चंद्रमा दक्ष का श्राप तो नहीं जाएगा, निष्फल तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं
कि तुम 15 दिन 6 को प्राप्त होगे और 15 दिन वृद्धि को प्राप्त होगे। इसीलिए चंद्रमा कृष्ण पक्ष में 15 दिन जो 6 होता है घटता है, ये दक्ष का श्राप। अब 15 दिन जो बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, ये भगवान शिव का वरदान है। भगवान शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया। भगवान शिव के पार्थिव शरीर को, पार्थिव शिवलिंग को बना करके चंद्रमा ने जो पूजा की है और उस पार्थिव शिवलिंग से जो भगवान शिव प्रकट हुए हैं, तो चंद्रमा ने उनको प्रकट किया है, इसलिए उनका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। भगवान आशुतोष ऋषियों अपने भक्तों पे करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए जो कोई भी भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है वो समस्त पापों से निवृत्त होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर सांस में हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन
बल बलिहारो तेरे दिल का ताज में आँखों का तारा।
उसका स्मरण ध्यान चिंतन जो भक्त जो जीव जो मानव जो मनुष्य हर क्षण उसका स्मरण करता है चिंतन करता है भगवान उसके समस्त दुखों को भगवान उसके समस्त कष्टों को भगवान उसके समस्त पाप निवृत्त कर और अपने चरणों में आश्रय हे ऋषियों मैंने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के वर्णन किए अब मैं आपको मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग के वर्णन करता हूं कथा हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि भगवान शिव और पार्वती कार्तिक जी महाराज और गणेश जी से दोनों से कहे कि तुम दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले विवाह मैं उसका करवाऊंगा तो कुमार भी कुमार अपने वाहन मोर पे बैठ करके और चल 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 पृथ्वी की परिक्रमा इधर गणेश जी ने माता पिता में ही सब कुछ का दर्शन किया समस्त देवी देवता का समस्त संसार का अपने माता पिता में ही दर्शन किए और उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके बैठे पार्वती जी ने कहा बेटा अरे तेरा बड़ा भाई गया परिक्रमा लगा तू भी चला जा परिक्रमा लगा के ग
गणेश जी का माता जी हमने तो परिक्रमा लगा लिया, तुमने परिक्रमा लगा लिया, अरे तू तो यही बैठा हुआ है, मेरे चारों तरफ घूम लिया और बैठ गया। गणेश जी ने कहा माता जी शास्त्र के अनुसार ये पृथ्वी समस्त तीर्थ समस्त देवता समस्त ऋषि मुनि सब कुछ माता पिता के अंदर ही निवास करते हैं, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, सारी पृथ्वी की परिक्रमा होगी। कार्तिकेय जी महाराज के आने में थोड़ा विलंब हुआ और तब तक भगवान भोलेनाथ पार्वती के कहने पर गणेश जी की शादी कर दी। अब उनकी जब शादी कर दी जब उनकी शादी हो गई इधर नारद जी महाराज ने कार्तिकेय जी महाराज को कह दिया कुमार से, अरे अभी आप परिक्रमा लगा रहे हैं, उधर तो गणेश जी की शादी भी आपके माता पिता ने कर दी है, ये सुन कर कुमार बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट कि देखो हमको तो भेज दिए परिक्रमा लगाने के लिए और इधर हमारे छोटे भाई का उन्होंने विवाह कर दिया, अपने माता पिता से रुष्ट होकर के कुमार क्रौंच पर्वत पर जाकर के बैठे थे। अब शिव पार्वती देखते रहे कि कुमार आएगा, कार्तिकेय आएगा, कार्तिक आएगा, नहीं आए तो खोजते खोजते पता चला कि वो क्रौंच पर्वत पर नाराज होकर के और बैठे थे। पार्वती अम्बा ने भगवान शिव से कहे महाराज मेरा पुत्र नाराज हो गया है मुझसे, आप चलो मेरे साथ उसको मना करके ले आए। तब भगवान शिव पार्वती के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंच करके कार्तिक जी से उन्होंने कहा बेटा चलो, उन्होंने कहा ना अब तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, तब भगवान शिव से पार्वती कहती है महाराज हमारा पुत्र इस स्थान को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है,
इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है। कि आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में और निवास तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में क्रौंच पर्वत के ऊपर ज्योतिर्लिंग के रूप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में और वहां विराजमान हुए। अमावस्या को भगवान शिव हर अमावस्या को वहां दर्शन देते हैं, वहां जाते हैं, अपने पुत्र कार्तिक जी से मिलने के लिए। अब पूर्णमासी को भगवती परम्पा आदि शक्ति पार्वती जी माता वहां हर पूर्णमासी को वहां जा जा बोल मल्लिकार्जुन भगवान की हे ऋषियों मैंने आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के वर्णन किया। कांति अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहा था। भगवान शिव के अनन्य भक्त उनका नियम था पार्थिव शिवलिंग बनाना और उसका पूजन करना। ये नित्य का उनका नियम है। उनकी चार पुत्र थे। ब्राह्मण थे, धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई। भगवत आश्रय लेकर के उन्होंने शरीर का त्याग किया। और अंत में शिव धाम को प्राप्त हुए। तो ब्राह्मण देवी के जो चारों पुत्र था देव प्रिय मेधा प्रिय सुकृत और धर्म बाबा ये चारों पुत्र थे। तो जैसे पिता पूजा करते थे वो भी धर्ममाला नाम के पर्वत पर जाकर के और घोर तपस्या कठोर और ब्रह्मा जी को प्रसन्न
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्म ब्रूहि वरदान मांगो, भगवान शिव के चरणों में मेरा मन तथा वरदान दीदी अपने घर आए और भगवान शिव के जैसे उनके पिता पूजा करते थे पार्थिव शिवलिंग बना करके ऐसे ही पूजा करते थे। बड़े महाभाव से चारों भाई पूजा करते थे। चारों तरफ अवंतिकापुरी में ब्रह्म तेज फैले हुए थे। अपने पिता की तरह ही सद्गुणी थे। उसी पर्वत के ऊपर दूषण नाम का एक राक्षस रहा। उसने भी भगवान शिव ब्रह्मा के तप करके प्रसन्न दूषण और दूषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। शक्ति प्राप्त होने के बाद सभी जीवों को अपने अधीनस्थ कर देवता मनुष्य और तीनों लोगों के जीवों को अपने अधीन में कर लिया। जब उन्होंने अपने अधीन में कर लिए उस दूषण का दुराचार बढ़ता गया। कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, और सैनिकों से कहा जो कोई भी पूजा करे उसको मार डालना। एक रोज दूषण को पता लगा कि ब्राह्मण पुत्र भगवान की सेवा पूजा करते हैं और दूषण ने घोषणा कर रखी थी कि कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा। सैनिकों से कहा कि चारों ब्राह्मण पुत्र हमारा कहा हमारी आज्ञा को नहीं मानता, हमारा कहा नहीं मानता, इनको मार मार मार। राक्षस के सैनिक
उनके पास गए। और नगर में चारों तरफ शव को मारने देते थे। शव दौड़ करके ब्राह्मण के पास गए। कि महाराज मेरी रक्षा करो, वो भजन में पूजा में बैठे थे, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर रहे थे। तब उन्होंने भगवान आशुतोष से प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करके प्रसन्न हुए, और आप मुझे दर्शन दे। हे आराध्य देव भगवान आशुतोष, ये राक्षस तो हमारे जीवन को नष्ट कर ही देगा, मुझे मार ही देगा, इसलिए आप कृपा करके हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके आप अपने चरणों में